हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मीत और यूट्यूब के टेक्निकल वाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने पेन ड्राइव के ऊपर अपने खुद का इमेज आइकॉन कैसे सेट करेंगे। तो इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखते रहिए। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि मेरे पेन ड्राइव में यहाँ पर मेरा आइकॉन सेट है। जब भी मैं अपने पेन ड्राइव को अपने पीसी के साथ कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर जो है मेरे पेन ड्राइव में मेरा आइकॉन यहाँ पर शो करता है। तो आप इस तरह से जो है अपने पेन ड्राइव में अपना आइकॉन कैसे सेट करेंगे इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट नई वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जानते हैं कि आप जो है अपने पेन ड्राइव पर अपना आइकॉन कैसे सेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा ये इमेज है जिसे कि मैं अपने पेन ड्राइव के ऊपर सेट करना चाहता हूँ। तो ये इस पेन ड्राइव में सेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो अभी कोई भी इमेज सेट नहीं है, यहाँ पे एक ड्राइव का लोगो शो कर रहा है। तो मैं इसके जगह पर जो है अपना जो है इमेज यहाँ पर सेट करने वाला हूँ। तो इसके लिए जो है सबसे पहले हम अपने उस इमेज में जाते हैं जो हम जो है अपने पेन ड्राइव पर सेट करना चाहते हैं। तो मैं इस इमेज को अपने पेन ड्राइव पर सेट करना चाहता हूं। तो मैं इसे जो है पेन के साथ ओपन करूंगा। तो इसके लिए मैं राइट क्लिक करूंगा और उसके बाद ओपन विथ पर जाकर मैं यहां पे पेन पर क्लिक करूंगा, जिसके बाद ये जो है पेन में ओपन हो जाएगा। इसके बाद इसे हम जूम आउट करते हैं। अब हम जो है इसे क्रॉप करते हैं चारों तरफ से, बराबर लगभग बराबर में क्रॉप करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं और फिर हम यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हैं। इसके बाद ये हमारा पूरा सिलेक्ट हो गया। अब हम यहाँ पे सिलेक्ट ऑल क्लिक करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे जो है क्रॉप पे क्लिक करते हैं और इस इमेज को जो है चारों साइड से लगभग बराबर में काट लेते हैं। तो हमारा ये लगभग बराबर में कट चुका है। तो अब हम इसे जो है यहाँ से ये हमारा कट चुका है। अब हम जो है इसे सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सेव एज पे जाते हैं और सेव एज पे क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे इस फाइल, आपको कोई भी फाइल नेम देना है। तो मैं यहाँ पे फाइल नेम दे रहा हूँ अमित। तो यहाँ पर मैंने अपना फाइल नेम दिया अमित। और उसके बाद आपको नीचे सेव एज टाइप पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है 24 बिट। तो इस यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको यही सिलेक्ट करना है। फाइल नेम आप कोई भी दे सकते हैं लेकिन आपको यहाँ पे 24 बिट ही सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव कर लेना है। तो ये हमारा इमेज जो है आइकॉन में कन्वर्ट हो चुका है। हमारा ये जो है इमेज है जो है आइकॉन बन चुका है। अब हम जो है हमें जो है एक नोटपैड फाइल क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पर एक नोटपैड ओपन करते हैं और फिर हम यहाँ ब्रैकेट देकर टाइप करते हैं ऑटो रन। ऑटो रन हमने टाइप किया। अब हम नीचे टाइप करते हैं आइकॉन इक्वल टू, और उसके बाद हम जो है हमने अपना जो आइकॉन का नाम दिया है, जैसे कि मैंने अपने आइकॉन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है अमित। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा अमित। आपने अगर कोई और नाम दिया है तो आपको वो यहाँ पर टाइप करना है। आप अपना जो भी आइकॉन का नाम दिए हैं उसे आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डॉट देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे BMP टाइप करना है। तो अमित आपको अपना एक फाइल नेम देना है, उसके डॉट देने के बाद आपको BMP टाइप करके इसे सेव कर देना है। तो सेव आपको उसी फाइल में करना है जहाँ पे कि आपने अपना जो है आइकॉन सेव किया था। तो यहाँ पर हम जो ऑल फाइल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमने अपना आइकॉन सेव किया हुआ है। तो यहीं पर हम उस फाइल इस नोटपैड को सेव करते हैं। तो सेव करना है जो हमें वो autorun.inf के नाम से सेव करना है। तो हम यहाँ पे जो है autorun.inf के नाम से इस फाइल को सेव कर देते हैं। तो ये हमारा जो है सेव हो चुका है। अब ये हमारा दोनों क्रिएट हो चुका है, आइकॉन और ये autorun फाइल दोनों क्रिएट हो चुका है। अब हम इस दोनों को कॉपी करते हैं। यहाँ से हमने इस दोनों को कॉपी किया और हमें उस पेन ड्राइव में इसे पेस्ट कर देना है जहाँ पे हम अपना आइकॉन सेट करना चाहते हैं। तो मैं इस पेन ड्राइव में अपना आइकॉन सेट करना चाहता हूँ। तो मैंने इसमें जो है उस दोनों को आइकॉन और वो फाइल को पेस्ट कर दिया। तो हमारा ये अब हो चुका है। अब हम जो देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा वो आइकॉन शो नहीं कर रहा है। तो हम जो है अपने पेन ड्राइव को यहाँ से रिमूव करते हैं और फिर हम अपने पेन ड्राइव को दोबारा अपने PC के साथ कनेक्ट करते हैं। तो मैंने अपना पेन ड्राइव निकाल लिया है। उसके बाद मैं अपने PC के साथ दोबारा अपने पेन ड्राइव को कनेक्ट किया। तो यहाँ पे मेरा पेन ड्राइव शो होगा अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब जो हमारा पेन ड्राइव शो हो रहा है वो हमारे इमेज के साथ शो हो रहा है। तो इस तरह से जो है आप जो है अपने पेन ड्राइव में अपना खुद का इमेज सेट कर सकते हैं।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट।